आम खाएगा आम? अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और आज मैं मौजूद हूँ कराची की सबसे बड़ी मार्केट यानी कि सब्ज़ी मंडी पर खड़ा हूँ। बल्कि कराची की सबसे बड़ी नहीं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी, बल्कि पाकिस्तान की भी सबसे बड़ी नहीं, पूरे एशिया की सबसे बड़ी मार्केट यानी कि सब्ज़ी मंडी में, न्यू सब्ज़ी मंडी के पास मैं खड़ा हूँ। और आम की एंट्री हो चुकी है भाई, और लोग जो है वो आम के लिए, आपको पता है कि जी पूरे साल एक फल का इंतज़ार करते हैं हम लोग कराची वाले खासकर, और वो है आम। और आम की एंट्री इस वक्त कराची में हो चुकी है और सब्ज़ी मंडी में जो है वो पूरे आम के बड़े बड़े गोदाम हैं। तो सोचा कि आपको जी आम के गोदामों में थोड़ा सा विज़िट कराएं और थोड़ा सा रेट के बारे में बताएं कि जी मार्केट में पेटियों के क्या रेट चल रहे हैं। और आम मार्केट में जैसा हम देखते हैं कि जी जब सीज़न शुरू होता है तो आम के जो रेट होते हैं वो सबसे ज़्यादा हाई हो जाते हैं। मतलब एक किलो आम आपको 180, 150, 200 रुपये किलो जो है वो आपको एक किलो आम मिलता है। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जी आम का सीज़न आ चुका है और स्टार्टिंग में सब्ज़ी मंडी में क्या रेट चल रहे हैं, वो तमाम तर चीज़ें जो है हम आपको बताएंगे और आम कैसे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए मेरे साथ। सब्जी मंडी के अंदर मैं एंटर हो चुका हूँ और इस वक्त जो है वो आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा एक गोदाम है आम का, और हम अमाउंट जानने की कोशिश करते हैं। ये आम जो है ये कौन सा आम है? ये सिंदड़ी आम है। ये सिंदड़ी आम है? जी जी। अच्छा, ये देखिए जी, ये सिंदड़ी आम है और क्या किलो है ये? ये पेटी के हिसाब है। अच्छा, पेटी के हिसाब से होता है। तो ये पूरी पेटी कितने रुपए की और कितने रुपए की, ये मतलब कितना किलो होता है इसमें? इसमें 9 किलो था, 650 का है। अच्छा, ये पूरी पेटी 9 किलो है जी, और 650 रुपये जी जी। सही। और आम मार्केट में कितने का होगा अंदाजन? आम 150 रुपये किलो चल रहा है इस वक्त मार्केट में। मार्केट में 150 चल रहा है। मतलब आप लोगों को क्या मशवरा देंगे? लोग जो है वो ज़्यादातर नहीं, मंडी आए और यहाँ से ख़रीदें ताकि उन्हें अंदाज़ा हो कि व्यापारी आगे जो वो बेच रहे हैं, दुकानदार कितना मुनाफा कमा रहे हैं। सही। तो लोग कहते हैं जी महंगाई इतनी हो गई है, मतलब तो वो उनकी तो कोई नहीं, मंडी में तो नॉर्मल है रेट, आपके सामने एक चीज़ है। ये सिंदड़ी आम है? ये सब सिंदड़ी है। ये सारे और ये सरोली है। ये सरोली है, ये वाला क्या कहते हैं जी? ये सरोली पड़ा है। सरोली, ये ग्रीन होता है, ग्रीन होने की वजह से लोग इसको ज्यादा पूछते नहीं है, समझते शायद ये अंदर से जो है शायद गेरी होगी। नहीं नहीं नहीं, जो खाने वाले हैं वो सब जानते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसी बात नहीं है। ये इसकी पेटी कितने की रुपए किलो है? ये 700 रुपए है। ये 700 रुपए और ये 650। जी जी। मतलब जो पीले हैं सबसे ज्यादा वो ये तैयार है, बिल्कुल ये बिल्कुल तैयार है। और ये जो है एक आध दिन लग जाएगा, एक आध दिन लग जाएगा, वो 600 का लगेगा। 600। ये सिंदड़ी है और ये क्या था? ये सरोली है। सनोली, सनोली, सनोली की वीडियो आप जो ये देख सकते हैं, लंगड़ा है, देख सकते हैं। और कोई आम आगे बांधी है? वो दशहरी है। दशहरी पड़ा, ये दशहरी, ये दशहरी आम, ये दशहरी, ये दशहरी है। इसकी पेटी, इसकी पेटी कितने की है? कितने किलो? 600 का। 600 का 9 किलो वजन है। 9 किलो वजन है और 600 रुपए की है। जी जी, ठीक। ये आप देख सकते हैं जी, 900 रुपए की ये पेटी है और 600 की पेटी है और 9 किलो इसका जो है वो वजन है। अगर कैमरामैन आपको दिखाएं, ये आम है, छोटे छोटे साइज के ये आम है। और हम आपको आगे लेकर चलते हैं और मजीद कि और कौन कौन से आम जो है अभी मार्केट में दस्तियाब हैं। एक और आम के स्टॉल पर हम खड़े हुए हैं और मुख्तलिफ यहाँ पर आम हैं। ये बताइएगा कि जब आम आते हैं तो लोगों को कौन से आम जो है लेने चाहिए? आम सबसे पहले जो है वो सरोली आम, दशहरी आम, इसमें मिठास आती है। सरोली सबसे पहले आता है, सबसे पहले मीठा होता है, सबसे पहले मैच्योर होता है ना। फिर उसके 10 से 15 दिन के बाद सिंदड़ी, लंगड़ा, अनवर, अटोल, ये आम मैच्योर हो जाता है। 15 से 20 दिन के अंदर अंदर सारा आम मैच्योर हो जाता है, सिवाय चौंसे के। चौंसा 20 से 25 दिन के बाद मैच्योर होता है, इसकी फसल लेट आती है। फिर ये जो है उमरकोट, कुंदरी से आम शुरू होता है और फिर उसके बाद टिंडोला यार, मीरपुर खास और इस तरह मटियारी, हाला, टिंडो आदम, नवाबशाह, कंडियारो, दरबेलो, ये होता होता फिर जो है 7 का बाद पंजाब शुरू हो जाता है। फिर रहीम यार खान, मुल्तान, खानगढ़ पर जाके इसका एंड होता है, मुजफ्फरगढ़, खानगढ़,
इस दौरान तकरीबन 3 से 4 महीने तकरीबन आम के गुजर जाते हैं। हमारे यहाँ का पाकिस्तान का सबसे बेस्ट क्वालिटी सिलड़ी है, जो तकरीबन 50% आम एक्सपोर्ट होता है और उसकी अच्छी खासी मकदार जो आल वर्ल्ड में जाती है, और ये पाकिस्तानी सिलड़ी आम आल वर्ल्ड में मशहूर है और पसंद किया जाता है। इसी तरह पाकिस्तानी किन्नू मशहूर है, वो पसंद किया जाता है। और उसके बाद जब सिलड़ी ख़त्म हो जाता है, सिलड़ी चूँकि सिंध में होता है, फिर जो है चौंसा आता है, चौंसा ये फिर बाद में एक्सपोर्ट होता है। चौंसा भी पाकिस्तान में बहुत है, चौंसे की वैरायटियां हैं और ख़ास तौर पर पंजाब का शुजाबाद का मुल्तान का चौंसा और अनवर अटोल ये बहुत मशहूर है। अच्छा, कहते हैं जी जो फलों का जो बादशाह होता है वो आम होता है, और आम का जो बादशाह होता है वो अनवर अटोर होता है। जी, तो अनवर अटोर आ चुके हैं। अनवर अटोर है जी, अनवर अटोर। तो इसमें क्या खास बात है? वैसे लोग देखते हैं कि यार ये ग्रीन है तो ये खट्टा होगा, लोगों को ये जहनों में होगा कि जी ये ग्रीन है तो ये खट्टा होगा, तो ये ग्रीन है, लेकिन मैंने अभी आपने जिस तरीके से मुझे टेस्ट करवाया तो बड़ा मीठा आम था। मतलब मैं ये समझ रहा था कि शायद केरी वेरी होगी क्योंकि ग्रीन ग्रीन है, तो लेकिन मैंने जब इसको टेस्ट किया तो इतना मीठा आम था, और ख़ासकर जब इसका सीज़न शुरू हुआ है, मतलब अभी सिंदड़ी आना शुरू हुई है, मगर सिंदड़ी में कुछ आम ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा बहुत आपको चीनी डालनी पड़ जाती है, मगर इसमें तो आपको अनवर अटोल में चीनी डालने की भी ज़रूरत नहीं होती। और आम मार्केट में ये क्यों महंगे होते हैं? असल में अनवर अटोल की जो है फसल बहुत महदूद होती है, उसके खाने वाले ज़्यादा होते हैं, और फिर इसकी गुठली बहुत बारीक होती है, जिस तरह कंघी होती है उस तरह गुठली होती है इसकी, पतली गूदा ज़्यादा होता है और खाने में बहुत ज़्यादा मीठा होता है। और ये पेटी जो है, ये पूरी पेटी कितने किलो की है, और ये पूरी पेटी कितने की देते हैं आप? तकरीबन ये 10 किलो की पेटी है, इसकी एक नंबर क्वालिटी जो है वो 1000 से 1200 रुपए तक चलती है, और जो इसका छोटा साइज़ है नंबर 2 क्वालिटी, ये 600 से लेके 800 तक चलती है। अच्छा, 600 से 800। हाँ, तकरीबन 10 किलो उसका वेट होता है, होलसेल रेट। ये आम कौन से होते हैं? ये दशहरी आम है। दशहरी आम है ये, एक प्रॉपर आ चुके हैं अभी मार्केट में। 10 किलो वजन है ये, तकरीबन 700 से 800 तक चल रही है। अच्छा, 700 से 800 की पेटी चल रही है 10 किलो। और ये कौन से हैं? ये लंगड़ा आम है, 500 से लेके 600 तक चल रहा है। लंगड़े का वैसे डिज़ाइन बड़ा अच्छा होता है। जी जी जी, लंगड़ा आम। ये कितने की पेटी है? ये 10 किलो 9 किलो वजन है, 500 से 600 तक। ठीक है, और सिंदड़ी की आपको बताने की जरूरत है, सिंदड़ी तो ये पूरी लगी हुई है। सारी सिंदड़ी है। ये पेटी कितने की सिंदड़ी? सिंदड़ी 700 रुपए की सिंदड़ी है, इसमें भी तकरीबन 9-10 किलो वजन है निकल आता है। हाँ, और ये आगे जाके जब इसमें पूरा टेस्ट आ जाएगा तो उसका रेट बढ़ जाएगी। अभी टेस्ट इसमें 50% है। ये सारे जो है वो लंगड़ा है? ये लंगड़ा है, आगे सिंदड़ी है, फिर ये सिंदड़ी है, ये अनवर अटोल है, ये दशहरी है, ये सरोली है। ठीक हो गया जी। आपने स्टॉल देखा, कितना ज़बरदस्त स्टॉल है भाई का। अगर आप नॉर्मली अगर सब्ज़ी मंडी से एंटर होते हैं तो आपको लेफ्ट साइड पे इनका स्टॉल नज़र आ जाएगा, आप चाहें तो यहाँ पर आकर ले भी सकते हैं, इनका पूरा गोदाम है और आपको रीज़नेबल प्राइस में भी मिल जाते हैं। तो चलिए, हाँ जी, इस वक्त मैं आम के गोदाम में घूम रहा हूँ और सब्ज़ी मंडी के पास आप देख सकते हैं कि जी ये कौन से आम है? ये सिंदड़ी है। ये भी सिंदड़ी आम है और बड़े ज़बरदस्त साइज़ में भी अच्छे हैं। और मतलब एक होता है कि जी हम आम मार्केट से जब पेटी खरीदते हैं तो हमें जो है उसके अंदर जो है वो बड़े बेकार से और मतलब पके हुए बहुत ज़्यादा जो ख़राब हो जाते हैं वो आम डाले जाते हैं, मगर ये भाई इस वक्त देखें आम तैयार कर रहे हैं और साफ़ सुथरे आम जो इस वक्त डाले जा रहे हैं पेटियों में। मतलब लोगों को ये शिकायतें बहुत ज़्यादा होती है कि जी बहुत ख़राब कर देते हैं आम को ना, अंदर से बिल्कुल सड़े गले डालते हैं, ऊपर से अच्छे डालते हैं, मगर हम देख रहे हैं कि जी पूरी पेटी को जो तैयार किया जा रहा है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार किया जा रहा है। ये बताइएगा कि आप यहाँ पर काम करते हैं तो रोज़ की कितनी पेटी तैयार करते होंगे आप? 250। 250 पेटियाँ, मतलब शाम हो जाती है आपको या शाम को 6 बजे तक? शाम को 6 बजे तक भरते रहते हैं आप। तो आप लोगों को सजेस्ट करें कौन सा आम ज़्यादा अच्छा होता है, सिंदड़ी, दशहरी, लंगड़ा, चौंसा? अनवर अटोल। हाँ, अनवर अटोल। अनवर अटोल खाने का वही है यार। अनवर अटोल खाने का जो पड़ा है, कहाँ पड़ा है? वो सामने पड़ा ये अनवर अटोल जो है ये आम है, ये बड़े छोटे छोटे साइज़ के हैं, आप देख सकते हैं, मतलब ये छोटे साइज़ में होता है, ये छोटे साइज़ में होता है। और आप देख सकते हैं कि जी लोग ज़्यादातर छोटे साइज़ को प्रेफर नहीं करते, वो कहते हैं पता नहीं इसमें से क्या जूस निकलेगा, मगर खाने का जो असल मज़ा है वो यही है। मतलब इसको क्या बोलते हैं? अनवर अटोल। अनवर अटोल। और हम आइए पूछते हैं भाई, ये बताइएगा कि जो अनवर अटोल की जो पेटी है ये कितने की पेटी है? ये 1000 रुपये की। 1000 की पेटी। और क्या कितना किलो होता है इसमें? इसमें होता है 9-10 किलो। 9-10 किलो निकल जाता है इसमें। और कोई आम खास अनवर अटोल के अलावा? अनवर अटोल के अलावा सरोली है, सरोली है, दशहरी। हाँ, मीठे आम जो है सही। ये आम दिखाया देखिए जी, कितनी ज़बरदस्त ये आम की पेटी तैयार हुई है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये 2 पेटी जो है अभी से बुक करवा लूँ इन भाई के पास
ये दो पेटी मैंने जो है बुक करानी है और इनको बोलूँगा कि ये दो पेटियाँ मेरे लिए अलग कर दे, क्योंकि बड़े साफ़ सुथरे ये आम हैं और अंदर जो इन्होंने शुरू में जो आम डाले हैं वो भी इसी तरीके से साफ़ सुथरे हैं। मतलब आप ये नहीं कह सकते और भी देख लो सब एक जैसे ही बन रहा है, नीचे जो है वो बिल्कुल ख़राब डाले हों। तो ये सिंधड़ी आम है और सिंधड़ी आम बड़े मज़े के होते हैं और ये भाई इस वक्त तैयार कर रहे हैं। और चलिए हम आगे चलते हैं, आपको बताते हैं और कितने आम जो है आप सब्जी मार्केट में जो है उतर चुके हैं। आम के गोदामों में मैं घूम रहा हूँ सब्जी मंडी में और इस वक्त जो है अहमद भाई भी जो है वो आम खरीद रहे हैं ऐसा लग रहा है। अहमद भाई, आपको सब्जी मंडी में देखकर जो है अच्छा लगा, आप ये बताइएगा कि क्या खुद आम की पेटियाँ लेने आए हैं या आपने नाज़रीन को आम की पेटियों के बारे में? आपने वो सुना होगा ना कि आम क्या आम आपने मीठा आम खाया एशिया की सबसे बड़ी मंडी का, तो आज एशिया की सबसे बड़ी मंडी में मैं आया हूँ आम खाने भी और खिलाने भी और इसके रेट्स के बारे में बताने भी। अक्सर ऐसा होता है फ्रूट्स आता है और आने के बाद वो मार्केट्स में शार्ट हो जाता है, ब्लैक में बिकता है, महंगा बिकता है, तो आज अपने व्यूअर्स को मैं दिखाने के लिए आएँ और खाने के लिए भी आएँ और ले जाने के लिए भी आएँ कि आम कितना सस्ता, कितना अच्छा और कितनी अच्छी क्वालिटी में इस वक्त सब्ज़ी मंडी में मौजूद है। तो आप लोग यहाँ पर आके परचेज़ कर सकते हैं, सस्ता परचेज़ कर सकते हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए, चाहे जूस बनाना हो, चाहे वो किसी को आपने खिलाना हो, चाहे वो उसका कोई टिकटॉक आपने बनानी हो, तो यहाँ पे हर किस्म का आम मौजूद है। ब्रांडेड आम भी मौजूद है यहाँ पे मोहसिन भाई, ब्रांडेड आम भी मौजूद है यहाँ पे जिस पे बकायदा टैग लगा हुआ है कि ये ब्रांडेड आम है। मुझे खाओगे तो आप में भी क्वालिटी फील होगी कि मैं ब्रांडेड हूँ। ब्रांडेड क्या होते हैं मतलब आम? ब्रांडेड यानी कि जिसे कहते हैं मम्मी डैडी आम होता है, जिसको देख के इंसान को फील आता है कि मैं कुछ हूँ, मुझे आप खा रहे हो, वो कहते ना आम खाया है, आम खाओगे तो वो वाली बात है। तो मोहसिन भाई, आज मैंने यहाँ से मैंने दो पेटियाँ ली अपने घर के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। दो पेटियाँ मैंने भी ली है। दो आपने भी ली है? चले बहुत अच्छी बात होगी। आपने ली है पेटी? नहीं नहीं, एक कैमरा मैन मेरे ख्याल में पेटी नहीं ली, लेकिन सोच रहे पेटी ले लूँगा मैं। चले जी, तो अभी हम चलते हैं मज़ीद आगे और भी लोगों से बात करते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि आम के स्टॉल अब लग चुके हैं और आम आते ही छा गए हैं। मतलब अब आम की एंट्री हो चुकी है और लोग जो है वो सब्ज़ी मंडी में खासकर जब लोग आते हैं तो खासकर आम के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं और अब आम की स्टॉल लग चुके हैं, बहुत ज़्यादा गोदाम भर चुके हैं और आम जो है इस वक्त अपने उरूज पर जो है वो बेचा जा रहा है। तो अब आपको भी चाहिए कि जी बजाय आप छोटी मोटी मार्केट में जाएंगे इतने महंगे शेंगे आम लेंगे, तो बेहतर ये है कि जी अपने जॉइंट फैमिली के लिए जो है वो चार पांच पेटियां उठाएं, सस्ती पेटियां हैं और मतलब आप लोगों को कम से कम आम भी अच्छे मिलेंगे और मीठे और रसीले आम मिलेंगे। तो फिलहाल सब्ज़ी मंडी से मुझे दीजिए इजाज़त, फिर किसी दिन और फिर किसी मौजू के साथ आपकी खिदमत पेश होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।